ये हमारी एक नई कहानी है किडनीज के ऊपर, गुर्दा हिंदी में जिसे कहते हैं। तो बेसिकली हुआ ये, साजन अग्रवाल का जो मैं किरदार प्ले करता हूँ वो एक आम आदमी का किरदार है, नौकरी पेशा आदमी है, और दोनों तरफ फंसा रहता है मझधार में। ना वो मैडम का हो पाता है, ना अपने घर वालों से भी त्रस्त है बुरी तरीके से, क्योंकि उसकी सास साला उसके साथ पड़े रहते। अब हुआ ये है कि सास की किडनी फेल हो गई है, और साजन से कहा गया कि आप अपनी एक किडनी डोनेट कीजिए अपनी सास को। और ऑफिस में जो है, जो हमारा प्यून, जो बॉस प्यून कम बॉस है छेदी जो है किरदार, उनकी भी किडनी फेल हो गई है। तो उनकी बेटी जो है संजना, जो नेहा प्ले करती है कैरेक्टर, तो वो उसने कहा कि आप मेरे पिताजी को अपनी किडनी दीजिए। तो इस तरह से दोनों किडनियों की डिमांड कर ली गई है। अब ये ऐसी सिचुएशन है कि ना तो वो उन्हें मना कर सकता है, ना वो अपने घर वालों को मना कर सकता है। तो ये बीच दोराहे पे फंसा हुआ है साजन अग्रवाल कि आखिर क्या करेगा ये क्या अपनी दोनों किडनियाँ देके खुद फौत हो जाएगा, या फिर अपनी किडनी किसी तरह बचाने की कोशिश करेगा। तो जो भी आपने सीन देखा वो बेसिकली ये था कि वो एक तरह से बहाना कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, बीमार आदमी की किडनी आप किसी को ना लगाएं, उसे कुछ हो सकता है। तो इस तरह के छुटपुट आइडिया लगा रहा है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं है कि इन आइडियो से उसे सक्सेस मिलेगी। तो उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़ा वो क्या करेगा ये तो आगे की स्क्रिप्ट हमें जब मिलेगी तो हमें पता चलेगा। साजन किससे ज्यादा इरिटेट रहता है, बीवी से या सास से? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इरिटेट तो साले से रहता है, क्योंकि सास तो फिर भी एक अधेड़ उम्र की महिला है जो थोड़ी बहुत जहीन है, ज़िंदगी में सीखा है उसने, तो वो कई जगहों पे उसे मायने पता होते हैं बातों के कि क्या बात करे। लेकिन जो साला है वो निहायती डम और ठस बुद्धि जिसे कहते हैं अगर उसकी हरियाणवी भाषा में बात करें तो ऐसा है कि उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो कहीं भी उल जलूल कुछ भी कहता है, किसी भी तरह की बातें करता है। तो उससे साजन को ज़्यादा इरिटेशन होगी, क्योंकि साजन जैसा भी है, साजन एक बेवकूफ़ किरदार नहीं है, साजन एक स्मार्ट आदमी है, साजन एक समझदार इंसान है। लेकिन उसके साथ सिचुएशंस ऐसी हैं लाइफ में कि वो जो एक आम आदमी के साथ होती हैं, और उसमें फंस कर वो आदमी फिर पागलपन की हरकतें करता है जो साजन करता है। तो भूपेश जो उसका साला है उससे काफ़ी इरिटेट रहता है, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी बात के कुछ मतलब निकाल के कुछ बातें करता है, और हमेशा, और उसका ऑफिस में भी पीछा नहीं छोड़ता, वहाँ भी उसकी सारी खबरें घर तक पहुँचाता है। तो वो सबसे ज़्यादा परेशान उससे रहता है बेसिकली। साजन हमेशा यही चाहता कि उसकी फैमिली भी खुश रहे, मतलब वो हमेशा कोशिश करता मगर वो कर नहीं पाता। जो हर आदमी, आम आदमी चाहता है कि कोई भी आम आदमी अपनी फैमिली को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि साजन अग्रवाल की सास और उसका साला उसके साथ उसी के घर में रहते हैं। तो ऐसा तो बहुत कम जगह होता है वैसे नॉर्मली, और जहाँ हो जाए वहाँ इसी तरह का आतंक होगा, चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो अब जो है ऐसी सिचुएशन में, तो वो फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि वो एक अच्छा सच्चा इंसान है, वो चाहता नहीं है कभी कि कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हर जहर को पी जाता है, और जैसे तैसे चाहता है कि मेरा परिवार चलता रहे, मेरा परिवार एक रहे, बना रहे, चलो मैं ये भी झेल लूँगा, मैं सास को भी झेल लूँगा, साले को भी झेल लूँगा। तो वो वैसा है, तो इसलिए त्रस्त है, लेकिन फिर भी निभा रहा है, क्योंकि वो प्यार करता है अपनी बीवी से, और वो हर आम आदमी करता है। लेकिन साजन जब ऑफिस जाता है तो मैडम को देख के तो सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं, खुद साजन देख नहीं भूलता है, भुलवाती मैडम है। जो मैडम का जो किरदार है वो इस तरह का किरदार है इस शो के अंदर कि वो किस तरह की महिला है, क्या नेचर है उसका, उसे समझ पाना मुश्किल है। जो उनका बेसिक कैरेक्टर हम लोगों ने बनाया, जो हमारे राइटर्स, हमारे डायरेक्टर्स ने डिज़ाइन किया है, तो वो ये किरदार है कि आपको लगता है ऐसा कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और वो जिस तरह का उनका किरदार भी है वो बड़ी ग्लैमरस रहती हैं, तो वो आपको देखकर ही कोई भी इंसान उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। और उसके बावजूद, जिसे देखकर ही आप अट्रैक्ट हो जाए, उसके बावजूद वो अगर आपको घास डाले, सामने से आपको इस तरह की बातें करे आपसे, तो मुझे लगता है चाहे कितना भी पाक पवित्र या कैसा भी इंसान होगा, उसकी नज़र तो जाएगी ही जाएगी। तो वो वही होता है साजन के साथ भी, कि वो उस तरह की बातें करती हैं कि इसे लगता है शायद कुछ ऑफर है उनकी तरफ से, या ये कुछ मुझे रिझाना चाह रही हैं, तो वो आगे बढ़ता है, अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर जो है वो उनका मिजाज बदल जाता है, वो दूसरे अंदाज में बात करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर ये अपनी असलियत पे लौट आता है कि नहीं, जो हम हैं, हमारा परिवार है, बस वहीं तक ठीक है, ये जो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती है। तो ये एक जो है संजना के किरदार के साथ में है। बात करें बॉलीवुड में आजकल बायोग्राफिस मूवीज आ रही, क्रिकेट पर और एक मूवी है सरबजीत, तो ये दोनों मूवी में आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं? देखिए बायोग्राफीज तो बनती रही हैं पहले भी और अच्छी, मैंने अभी तक दोनों फिल्में नहीं देखी हैं, तो मैं उनके बारे में क्या कमेंट करूँगा।
मैं देखा होता तो मैं आपको बताता, लेकिन प्रोमोज मैंने देखे हैं तो प्रोमोज मुझे दोनों के अच्छे लगे। मुझे सरबजीत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि क्रिकेटर्स तो अच्छा है, ठीक है, प्लेयर्स हैं, लेकिन सरबजीत एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया है, सबके लिए, जिससे हम अफेक्ट होते हैं। अगर कोई सेंचुरी बनाता है तो उससे आपके घर में राशन नहीं आता, लेकिन अगर सरबजीत जैसा इंसान कुछ करता है तो आपके घर में बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो बेसिकली मुझे वो सब्जेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं देखूँगा फिर मैं बताऊँगा कैसी लगी मुझे। अपने फैंस को कुछ कहना चाहूँगा? मैं फैंस को ये कहना चाहूँगा कि बस ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही प्यार देते रहें। हमें सच में उम्मीद नहीं थी कि इस शो को इतना प्यार मिलेगा, इतना सराहा जाएगा। जब हम इस शो को बना रहे थे, हमने सोचा था कि एक नॉर्मल हम शो दे रहे हैं एक आम आदमी का, और क्या पता लोग कनेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब मुझे भी ये मिला तो मैंने भी सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा, और हमारे यही होता है। लेकिन ये आप लोगों का प्यार होता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस शो को कहाँ लेके जाना। आप चाहे सर आँखों पे रख लें और आप चाहे तो उसको पूछे भी नहीं, पता नहीं लगता। शो आते हैं, 2 दिन में उनकी पता चल जाता है रिपोर्ट्स, और शो एक एक महीने में ऑफ एयर चले जाते हैं। आज का जो दौर है टेलीविज़न का, इसमें तो कब शो लॉन्च होता है, कब शो ऑफ एयर चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो जो हमने जो देखा, ग्रेजुअली जो हमारा शो पिक किया, लोगों ने देखना शुरू किया, माउथ पब्लिसिटी हुई, लोगों ने एक दूसरे को बताया कि यार वो मैं आई कमेंट मैडम शो आ रहा है वो देखिए, वो शायद इसीलिए क्योंकि ये शो दूसरे शोज से काफ़ी अलग है। तो बस ऐसे ही देखते रहे, प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच।